नमस्कार, आप देख रहे हैं आर सोनी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी। उत्तर प्रदेश में प्रधानी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और जो प्रधान अब चुनकर आए हैं उन सभी ने कहा है कि अपने आने वाले 5 सालों में वो क्षेत्र के लिए वो सारे काम करेंगे जो क्षेत्र की जनता को इस समय उन कामों की जरूरत है। और उन्हीं उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हमारे संवाददाता ने उन सभी प्रधानों से बात करी और प्रधानों ने क्या कहा, आइए वो सुनाते हैं कि बरेली के नवाबगंज में प्रधान किस तरीके से आने वाले 5 सालों में काम करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हुए प्रधान के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और उसके बाद अब युवा जो प्रधान आए उन्होंने कहा कि हम 5 साल में क्षेत्र के लिए वो काम करेंगे जो क्षेत्र की जनता को जिस काम की जरूरत है। आइए देखते हैं बरेली से अखलाक अंसारी की एक खास रिपोर्ट। मैडम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम रेखा कुमार। कौन से गांव के प्रधान हैं आप? जी, मुजाना संतोष। अभी निर्वाचित हुई हैं? जी। कितने वोट जीती हैं? 24 वोट से। आप जो इलेक्शन में वोट मांगने गई तो जनता के सामने क्या मुद्दे रखे आपने विकास के? सर, मैंने गांव का चहुमुखी विकास चाहा था और मैं जो योजनाएं मतलब जो जैसे शौचालय वगैरह जो पूर्व प्रधान के कार्यकाल में अधूरे छूट गए हैं, उनमें भेदभाव किया गया था, वो सब कार्य मुझे पूरे करने हैं और पेंशन योजना का लाभ दिलवाना है सबको, गांव में सड़कें सही करानी है और पूरे तरीके से गांव का मुझे विकास करना है। जो काम अधूरे रह गए थे उनको पूरा कराने का लक्ष्य है आपका? जी सर। जो कौन कौन से काम अधूरे रह गए थे जो आपके नॉलेज में है? एक तो आवास योजना का लाभ सबको नहीं मिला है, उनके उनमें भी भेदभाव किया गया है लोगों के साथ। और आपका कहना है अपात्र लोगों को आवास बनवाए गए? जी सर, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला और जिनको नहीं मिलना चाहिए थे उनको दिलवाए गए थे। और दूसरा शौचालय में भेदभाव हुआ था, शौचालय सबके नहीं बने तो वो सब मुझे पूरे कराने हैं। अच्छा, जो इनके लायक है, जो इसके पात्र है उनको दिलवाने। बताया गया खम्भों पर जो लाइट लगाई गई है लगाने का पैसा निकाल लिया गया लाइट का, क्या जानकारी है आपको पूरे पूर्व प्रधान के द्वारा? क्या आपको लगाई गई है या नहीं लगाई गई है? सर, नहीं लगाई गई। उसका पैसा निकाल लिया गया? जी। अच्छा, इसके अलावा स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है आपके गांव में? क्या अस्पताल वगैरह कोई है? कुछ नहीं बना। तो वो बनवाना चाहेंगे या? जी सर, मैं उसको भी बनवाना चाहूंगी। कोई बारात घर वगैरह गरीब लड़कियों शादी वगैरह उसमें ठहर सके? बनवा सकते हैं, बनवाएंगी। जी सर। अच्छा, अपनी आप गांव की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? सर, मैं सबका विकास करना चाहूंगी, सबको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाऊंगी और सबने मुझे सहयोग दिया है, सबने मुझे वोट दिया है, अपना कीमती वोट देकर मुझे विजयी बनाया है, तो सबका सम्मान और सबका अभिवादन करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार कश्यप। कौन सा गांव ये? ग्राम पंचायत गुलड़िया धीमर। कौन सा चुनाव लड़े थे आप? कौन सा चुनाव लड़े थे आप? ग्राम प्रधान। अच्छा प्रधान, ये बताएं आप ये प्रधान कश्यप समाज इससे पहले कौन बना था, कितने साल पहले? 27 साल पूर्व पिता हमारे पिताजी प्रधान रहे। क्या नाम था उनका? ओम प्रकाश कश्यप। अच्छा, आज जनता ने आपको चुना है तो पहले सबसे विकास और जनता के लिए क्या करोगे? पहली बार तो ग्राम पंचायत की जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जनता मेरे प्रति बहुत खरी उतरी। दूसरी बात, जनता के बीच इंदिरा आवास और विधवा 60 साल पेंशन ये पात्र लोगों को योजना दिलवाऊंगा। दूसरी विकास की ओर, मेरे यहाँ एक अस्पताल की जगह है, जहाँ तक अस्पताल का मैं कार्य अस्पताल करूँगा उसे और लाइटें वगैरह ये व्यवस्था करवाऊंगा और जनता के प्रति खरा उतराऊंगा, जैसे मुझे जनता ने भरोसा किया उस जनता का भरोसा नहीं टूटने दूंगा। प्रधान जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मोहम्मद इरशाद। इस बार आप चुनाव लड़े थे प्रधानी का? जी। कितने वोटों जीते हैं? 235 वोटों जीते। आपको कितने मिले? 682 वोट पड़े थे। अच्छा, उससे पहले भी आप प्रधान रह चुके हैं? हाँ हाँ, अभी जनता ने आप पर दोबारा विश्वास किया है, यकीन किया है, तो क्या उम्मीद है लेके आप दोबारा मैदान में पहुंचे थे जनता के बीच? विकास का मुद्दा है, विकास के मुद्दे पे दोबारा चुना गया है, चुना है, बाकी अपना प्यार दिया वही विकास के ही मामले में, विकास की तरह। पिछले 5 साल आप जो प्रधान रहे हैं, कुछ ऐसे काम जो आप चाहते हो नहीं कर पाए हो समय ना मिलने की वजह से, तो इस बार ऐसे बहुत से काम ऐसे छोटे जो CCTV कैमरा है, सबसे पहली प्राथमिकता जो वो रहेगी, CCTV कैमरा हो गाँव की पूरी हर गली में, बाकी और हमारे यहाँ पर जो
गलियां कुछ घर न रह गए उनमें सी पड़े और बाकी जो भी है विकास चारों तरफ जितना भी है वो हमारी पूरी कोशिश ये रही पूरा विकास बिल्कुल ही पूरी मेहनत से और लगन से काम इसी पे पूरी फोकस रहेगी। प्रधान जी आपके गांव में क्या स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कोई हॉस्पिटल वगैरह है? जी उसमें लोगों का पर्याप्त इलाज होता है? जी बैठे। अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में कोई स्कूल बड़ा? हाँ अभी तो प्राइमरी स्कूल है। तो आप चाहेंगे कोई बड़ा स्कूल आपके द्वारा बनाया जाए? जी कोशिश अपनी करें। अच्छा समाज में दोनों धर्मों के लोग रहते हैं तो कोई बारात घर की व्यवस्था आपके मन में है सर? जी बिल्कुल बारात घर की व्यवस्था की पूरी अपनी कोशिश करेंगे। तो दोनों समुदायों के लिए बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी पानी की कुछ टंकी जो बड़ी वाली है उसके बारे में कुछ सोचा आपने? हाँ वो भी आए थे लोग अधिकारी लोग आए थे। पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल जी घर घर शुद्ध पानी पड़ती है। जी जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो जीते हैं धन्यवाद देना चाहेंगे उनका? जनता को क्या मैसेज? जनता को यही मैसेज है हमारा कि पूरी तरीके से हमने जिस तरीके से हमें प्यार से अपने साथ हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों ने हमारा साथ मिलकर दिया उनको पूरी सेवा हम अपनी यही कहेंगे पूरी सेवा अपने इस तरीके से करें जो लोग बिल्कुल पूरी तरीके से संतुष्ट पाए और उनका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जो लोगों ने हमें दोबारा मौका दिया। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? सूरज सिंह अनबार। कौन से गांव रहते हैं? ग्राम अभयराजपुर तहसील नवागु डिस्ट्रिक्ट बरेली। कौन से चुनाव लड़े थे इस बार आप? ग्राम पंचायत प्रधान। जीत गए? जीत गए। कितने वोटों जीते आप? 183 वोटों से। आप जनता के बीच चुनाव में किस मुद्दे को लेकर निकले? मुद्दे तो यही है कि जो भी काम हमारे गाँव में नहीं हो पाया आज तक वो कराने की कोशिश करेंगे जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं अधिक से जनता तक जाए उसका। आपने अभी बताया था कि आपके गांव में कम से कम आप 45 साल से तो प्रधानी आपके घर में है तो अब इस बार जो आप लड़ रहे हैं तो कितनी साल हो जाएंगी? 35 साल तो देश आजादी के बाद 35 साल लगातार बाबा रहे जी फिर बीच में 10 साल हमारे ताऊ जी रहे जी अब इस बार हम बने हैं। तो क्या काम नहीं हुआ आपके गाँव में जो आप कराना चाहते हैं? अरे जो भी वैसे तो अधिकतर सब काम हो चुके हैं बाकी सौंदर्यीकरण के लिए जो भी सरकार की योजनाएं आएंगी जैसे तालाब के हैं या जो हमारे मनरेगा का पक्का काम है या गांव में जिनके कमरे ने बनने को रह गए हैं पक्की नालियां या जो भी सीसी रोड पड़ने को रह गया जो भी लाभ है टू जेड जो भी आते हैं ऊपर सब कराने के। पिछले पंचवर्षीय योजना कार्यकाल में जो विकास कार्य है उससे संतुष्ट हैं क्या आप? हाँ बहुत ज़्यादा वैसे तो काम कराया है हमारे प्रधान ने इसमें कुछ कहने को नहीं है लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे हैं कि उनने उस चीज़ को देख के रखा है कि जो उनके लोग हैं उधर काम हुआ है पक्षपात किया है। अब हमारी गली मकान के सामने देख लो ये गली है वीडियो में आप चाहे देख लो वैसी पड़ी है कच्ची पड़ी है नालियां मतलब रोड पे पानी है। अब आपको तो जनता ने जब चुनाव जीते हैं आप पक्षपात? मैं पक्षपात कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तो बहुत वोटों से जिताया है। अच्छा आप अपने गांव की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं क्या संदेश यही संदेश है कि सब भाई अच्छे से रहें। सर पहले नाम जानना चाहेंगे आपके? प्रेमशंकर। कौन से गांव से? तीन जागीर से। तो इस बार आप प्रधानी लड़े थे क्या रहे आप? मैं सर जीत गया हूँ प्रधानी। कितने वोटों से? 652। आपको कितने वोट मिले? 1511। और विपक्षी को? विपक्षी को जो हम सेक्रेट वॉइस में थे उन्हें मिले हैं 659 और सॉरी 859। प्रधान जी आप पहली बार चुनाव लड़ेंगे या दूसरी बार? सेकंड बार। सेकंड बार जी। इस बार आप जो चुनाव लड़े हैं उस बार प्रधानी आप जीते हैं क्या मन में है आपके जनता के प्रति? जनता ने सर इतना बड़ा भार दिया है तो सेवा का भाव है करने का जब मैं अपनी सर्विस को ज्वाइन कराया जनता के लिए तो फिर बहुत अच्छे से अच्छे भाव से पूरा गांव का विकास करना चाहूँगा। पहले कहीं जॉब करते थे? जी 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 जी। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव गए थे जनता के बीच? सर मुझे थोड़ा सा दिल्ली में जब मैं रहता था तो मुझे अरविंद केजरीवाल से थोड़ा बहुत सारा इंस्पिरेशन हुआ कि अच्छे लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तो विकास नहीं हो पाएगा विकास संभव नहीं है इसीलिए उन्होंने भी अपना नौकरी छोड़ के राजनीति में आए आज वो पूरी जनता की सेवा कर रहे हैं दिल्ली में और वो थोड़ा सा मैंने सोचा कि गाँव के लिए कुछ करा जाए इसीलिए मैंने अपनी नौकरी रिजाइन किया और गाँव के सेवा के लिए उतर आया। कितने समय से आपके गाँव में विकास नहीं हुआ जिसकी वजह से आपको ये प्रेरणा मिली कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं सर विकास हो रहा है गांव में लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया सर जो जनता को अपेक्षा थी विकास की वैसा नहीं हो पाया सर।
आप क्या किस तरीके का विकास करना चाहते हैं, जो आपके मन में क्या है कि अगर मैं प्रधान बन जाता हूँ? मैं सर इस तरीके का विकास करना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट जो ऊपर से सरकार के जो नियम है उसे पूरा फॉलो किया जाए, जो गवर्नमेंट पैसा दे रही है गांव के लिए उसे पूरी अच्छी तरीके से ईमानदारी से लगाया जाए जनता में। आप जब चुनाव लड़े थे आपके मन में ये था होगा रहा होगा कि अगर मैं प्रधान बन जाता हूँ तो 3 बड़े काम कराऊंगा, ऐसा कोई आपके दिमाग में हुआ? 3 बड़े काम में क्या, सबसे पहले सर पानी की व्यवस्था गाँव में, फिर एक नाली का पूरा ठीक से करना, नाली को दुरुस्त करवाना, जो नालियाँ चौक पड़ी है, वाटर हार्वेस्टिंग, ये 3 बड़े मेरे प्लान थे। अच्छा, आपके गांव में स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है? स्वास्थ्य तो सर हमारे गांव में कोई विशेष ऐसी अभी अस्पताल एक गवर्नमेंट ने दिया है छोटा मोटा वो है, लेकिन वो अपना उसे सही तरीके से चलवाने का काम करेंगे जो भी होगा, उसे विस्तार का रूप देंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में आपका ग्राम में क्या व्यवस्था है? शिक्षा में सर एक जूनियर हाई स्कूल है, एक प्राइमरी है और बाकी एक हमारा प्राइवेट स्कूल है सेंट थॉमस। पर्याप्त है? जी पर्याप्त है, बाकी लोगों को इंस्पायरेशन करना है बच्चों को एडमिशन कराने के लिए सर। अच्छा, शादी ब्याह के लिए कोई बारात घर बनाने की इच्छा है आपकी? जी बिल्कुल, गाँव में बारात घर होने चाहिए। जी बिल्कुल, सरकार से निवेदन भी करेंगे और उच्च नेताओं हैं हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं नेता हैं उनसे सबसे थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे। कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं? बीजेपी से सर। अच्छा, आपको जो अपनी गांव की जनता को संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना यही चाहूँगा सर कि सब अच्छी सोच रखें और सबका विकास होगा, पूरे गांव ने मदद करी है और सबका काम होगा। हिंदू और मुस्लिम कुछ ऐसा भेदभाव तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं सर।